ने 27 अगस्त को मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सभा थी, उसमें मैंने हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाया था कि ये भ्रष्ट हैं और इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। इस आरोप के बाद मुझे नोटिस किया गया अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का। मुझे वो नोटिस 4 सितंबर को मिला और मैंने कुछ सामग्री एकत्र करने में टाइम लिया और कल मैंने उसमें भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा इनके बारे में। तो कल मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से उत्तर भी भेज दिया और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को उत्तर भेज दिया। उसमें मैंने 7 आरोप उन पर लगाए। पहला आरोप तो ये कि उद्योग विभाग में नौकरी करते थे, अफसर थे और बाड़मेर में PDB थे, प्रोजेक्ट रिपोर्टर अफसर डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और वहाँ पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए थे जिसकी शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की गई थी। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ, विभिन्न विभागों से जो लिए जाते हैं IAS उसमें इनका प्रमोशन हो गया, चयन हो गया, लेकिन इनके खिलाफ किसी ने शिकायत की केंद्रीय लोक सेवा आयोग को, किसान इनके खिलाफ जो है कुछ मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार विरोध विभाग में, इसलिए इनका प्रमोशन रोका जाए। इस पर प्रमोशन रोका गया, लेकिन वो ही जैसा अपने व्यवस्था है, सिफारिश कर दी और सिफारिश से वो सारी जो है भ्रष्टाचार के आरोप ड्रॉप कर दिए गए और फिर उनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद भी आदत तो इनकी भ्रष्टाचार करने की थी। ये जब कलेक्टर थे तो तब इन्होंने फौजी विधवाओं के लिए आरक्षित थी जमीन, उस जमीन को इन्होंने फौजी विधवाओं के अलावा जो गैर पात्र थे उन गैर पात्रों को उस अलॉट कर दिया रिश्वत खाका करके। इस पर एक श्रीमान हाकिम अली जी ने FIR दी। FIR के बाद प्रिलिमिनरी जांच हुई। सामान्यतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जो सूचना जाती है उसकी एक प्राथमिक जांच करते हैं, तो उस FIR की प्राथमिक जांच हुई और प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। दोषी पाए गए उनमें एक श्री अब्दुल्लाल मेघवाल, तत्काल जिला कलेक्टर चूरू हर लोकसभा सदस्य बीकानेर, श्री जवाहरलाल आर्य कार्यालय सहायक कार्यालय निर्वाचन कलेक्टर चूरू, तीसरा श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री देवचंद जाति मेघवाल कनिष्ठ लिपे कार्यालय जिला कलेक्टर चूरू, एंड डॉक्टर HM गौरी पुत्र श्री नियाजन है गौरी निवासी हाल कनिष्ठ स्टेशन की मेडिसिन डिविजन राजकीय BDD जनरल जिला अस्पताल चूरू की पहचान की गई। इन चार को अभियुक्त मान करके और जांच चालू की गई और जांच चली, लेकिन इस जांच को होने के बाद अर्जुन लाल जी मेघवाल ने ये जांच दबा दी और FIR लगवा दी। फाइनल रिपोर्ट जब गई, उस फाइनल रिपोर्ट को जब मजिस्ट्रेट ने देखा सेशन करने, तो वह उनकी इस जांच से संतुष्ट नहीं हुआ और संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने उसे कुछ कमेंट्स के साथ जो इसमें दिए, मैंने अपने पत्र में विस्तार से आपका इसमें विस्तार से यह भी बोल सकता हूँ, कुछ कमेंट्स के बाद वापस भेज दी जांच को और FIR स्वीकार नहीं हुई। दूसरी बार फिर जांच हुई, फिर इनके दबाव से फिर जो है फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव, मतलब वो FIR जिसको कहते हैं वो पेश हुई। उसको देख करके सेशन जज ने बड़ा गुस्सा बताया और स्पष्ट कहा इस बार इस केस में हेरा फेरी हो रही है, दबाव से काम लिया जा रहा है, और उन्होंने फिर से वो जो है
फाइनल रिपोर्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने वापस पत्रावली भेज दी। ये जो आदेश हुआ, इस आदेश पर अर्जुन राम जी भी एक बार हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि FIR भी और ये जो FIR पेश हुई है इन दोनों को दुरुस्त किया जाए। ये आदेश हुए थे जुलाई में, जुलाई 14 में, और आपको आश्चर्य होगा जुलाई 14 के बाद एक के बाद पेशी दर पेशी पड़ती जा रही है और आज तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। ये प्रकरण पहला है। दूसरा, इन्होंने तीसरा जेएस मंत्री खत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक नियमों में रणसिंहगढ़ पहाड़ियों की खादों को श्री अर्जुन लाल जी मेघवाल कलेक्टर चुनू द्वारा रिश्वत लेकर नियम विरुद्ध आवर्तन करने की शिकायत की। इसकी जांच ब्यूरो और खान विभाग के बीच पत्राचार में अटकी हुई है तथा प्रमाणित होने के बावजूद अर्जुन लाल जी ने अपने प्रसार से पत्रावली दबा रखी है। इसके बाद अर्जुन लाल जी ने तीन बार चुनाव लड़ा है। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है और उस लोकसभा के चुनाव में जो नाम निर्देशन फॉर्म भरते हैं उस नाम निर्देशन फॉर्म के साथ एक एफिडेविट देना पड़ता है और उस एफिडेविट में इन्होंने जो जानकारियां मांगी गई वो जानकारियां गलत थी। इनसे उसमें कॉलम है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है या नहीं, और लंबित है तो उसके विस्तार से दो चार कॉलम है उसमें जवाब दो। इन्होंने कहा लागू होता ही नहीं, बिल्कुल सफेद झूठ बोला। 1914 में भी बोला और 1919 में भी बोला जब दूसरी बार तो चुनाव लड़ा। 2014 में झूठ बोला, फिर 2019 हाँ ठीक है थोड़ा स्लिप हो गया, हो जाता है उम्र के हिसाब से। तो 2019 में भी इन्होंने वही एफिडेविट पेश किया। वो दोनों एफिडेविट जो है कॉपियां मेरे पास है और इनसे जो लंबित होने की जो है मांगी गई थी सूचना, वो सूचना इन्होंने नहीं दी। नहीं देने के बावजूद ये इनका जो है मुकदमा चल सकता है। मैं आपको तो ये गंभीर अपराध है, इसका अगर कॉग्निजेंस लिया जाए मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि एक झूठा एफिडेविट दिया गया है, इसके आधार पर चुनाव भी निरस्त हो सकता है, इनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है, उसके साथ मंत्रालय तो जाएगा ही, लेकिन इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा भी चल सकता है। ये आज की स्थिति में मेरे पास इसके बाद प्रमाण है, दोनों ही FIR के और दोनों ही जो है प्रकरणों के। इसके बाद इन्होंने वह जिला परिषद का बैठक हुई, जिला परिषद के चुनाव में 6 पार्षद ऐसे चुन के आए थे जो इनके पक्ष के थे, उन्होंने 6 पार्षदों को कांग्रेस को दे दिया और ये सबसे बड़ा अनुशासनहीनता की वहाँ के जो उस समय उम्मीदवार थे और उप प्रमुख के और प्रमुख के उम्मीदवार थे, उन्होंने शिकायत करके 22 बिंदु लिख के इनके खिलाफ भेजे, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा एक बात आपके सामने और रखता हूँ, आजकल सब तरफ चर्चाएं चलती है टिकट देने में पैसा लगा, किसने कितना लाभ दिया, किसने कितना करोड़ दिया, इसमें अर्जुन राम जी मेघवाल भी लिप्त है। इन्होंने पुष्कर पर टिकट चलाने के लिए एक महाराज से जो स्वामी जी है 1.5 करोड़ रुपया लिया और 1.5 करोड़ रुपया लेने के बाद उसको टिकट नहीं दिलवा सके, उसने सीधा प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री जी पर जाके भेंट की और भेंट करने के बाद कहा साहब मेरा 1.5 करोड़ रुपया तो वापस दिलाओ, टिकट तो मिला नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में कार्रवाई करेंगे और उसका 1.5 करोड़ रुपया वापस दिलवा देंगे। इसके बाद इन्होंने कई तरह के दूसरे गोपाली भी किए, ये कई बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते हैं। एक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और कर्मचारी रेलवे कर्मचारी संघ है, उसमें 20 करोड़ का घोटाला है। उस 20 करोड़ के घोटाले में अर्जुन लाल जी जो अभियुक्त है उनका पक्ष ले रहे हैं
और वहाँ FIR भी हुई है दरियागंज थाने में इनके खिलाफ, इसको भी उसमें जो है रेफर किया गया है। इस तरह इनके खिलाफ एक के बाद बहुत ही गंभीर प्रकरण के आरोप है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्रिपद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। मैं स्वयं इलेक्शन कमीशन को इस बारे में लिखूंगा कि इनकी जो लोकसभा सदस्यता है इसको खारिज की जाए, और खारिज करने के पर्याप्त आधार है। हाईकोर्ट के जो है वो भी क्या है निर्णय है कई इस तरह के, मैं भी लिखूंगा। और इनके ऊपर झूठा एफिडेविट देने का आरोप है मैं लगा रहा हूँ, और उस पर भी कार्रवाई की जाए, प्रधानमंत्री से मैंने उम्मीद की है। ये सारा मैंने आपके सामने रखा है, और जो मैंने विस्तार से एक पत्र लिखा है इस पत्र को आपके पास मैंने पेश कर दिया है। इसमें लंबा चौड़ा सब इसके बारे में लिखा हुआ है, सारे प्रमाण भी है वो मेरे पास है, यही मुझे कहना है। चुनावी स्टंट नहीं, जब इनको कानून मंत्री बनाया गया तब मैं चेता, और चेतने का एक कारण और थे कि एक भ्रष्ट व्यक्ति कानून मंत्री बने ये देश के लिए उचित नहीं है, और इसलिए मैंने इनके खिलाफ सामग्री एकत्र करना चालू किया। साहब आपने एक लाइन बोला यहाँ पर, वसुंधरा राजे जी की और आपकी लगातार अनदेखी हो रही है, क्या वसुंधरा राजे को अभी भी अनदेखी किया जा रहा है बीजेपी में? वसुंधरा राजे का तो अब मैं नहीं कहूँगा, मेरी जरूर अनदेखी की जा रही है। और इसमें जैसे आपने देखा होगा मैं कभी इस पार्टी में हीरो था, और हीरो से आज ये जीरो हूँ। आज चार यात्राएं निकल रही है, कहीं एक भी जगह मुझे आप देख रहे हो। 2003 में यात्राएं निकाली उसमें मैं प्रमुख था, 2013 में यात्राएं निकाली उसमें मैं प्रमुख था, आज मेरी। और इसका एक ही कारण है कि अब्दुल्ला जी मेघवाल को ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी में शेड्यूल्ड कास्ट के नेता के रूप में मनो आगे ला रहे हैं। मुझे एक बात का अफसोस है, मेरी पार्टी के लोग इसको महिमा मंडित करने के लिए अर्जुन दास जी मेघवाल की तुलना डॉक्टर अम्बेडकर से कर रहे थे। मेघवाल साहब, अगर आपको जो नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? ऐसे मेरा अगला कदम इसका फैसला हो जाने के बाद निश्चित होगा, राजनीति में सक्रिय रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और राजनीति में लगातार मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि मैंने जो शाहपुरा जिला बनवाया है उस शाहपुरा जिले की पेरावनी आप समझते हो उसको बढ़िया सुदृढ़ अच्छे जिले के रूप में विकसित करूं, और उसकी जो राजधानी है शाहपुरा जो 76 साल से उपेक्षित है, ये पहले स्टेट थी देशी स्टेट, और इसकी जो राजधानी थी वहाँ और सब जगह जिला कलेक्टर है लेकिन वहाँ नहीं है, और ये जिला कलेक्टर राजस्थान कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, यानी बहुत दूर है अभी तो मैं ये पिछली बार आपने वसुंधरा जी में भी इसी तरह के आरोप लगाए थे घोटाले के। मैंने सार्वजनिक रूप से वसुंधरा जी की सरकार पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया, अकेले में लगाए थे, सार्वजनिक रूप से लगाया ही नहीं कभी। यात्रा में तो पूर्व मुख्यमंत्री को तवज्जो नहीं, लड़ाई टिकट की तो नहीं है साहब, और मैं इस जवाब के बाद मुझे निकाल देंगे तब सोचेंगे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते ही मोदी जी से कतई नाराजगी नहीं है। मोदी जी को तो मैं चेता रहा हूँ कि एक भ्रष्ट मंत्री है, इसको निकालो। इसके बाद प्रमाण दे रहा हूँ मैं, मेरे पास प्रमाण है सर, जो मैंने आपके पास सामने जितनी बातें कही एक का एक प्रमाण है मेरे पास। मेघवाल परसेंट मेघवाल जी, ये निश्चित है कि मेरा जो राजनीतिक सफर है जो 1968 से चालू हुआ था वो सफर मैंने लंबा चौड़ा दिया है कि मैंने कितना सफर किया, कहाँ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, कहाँ भारतीय जनसंघ को आगे बढ़ाया, और मेरा इतने लंबे सफर में कहाँ मैं 19 महीने जेल में रहा, मतलब मेरा राजनीतिक सफर आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा।
मेरे राजनीतिक सफर को अनदेखा करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह गुटबाजी में लिप्त है, उस भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन लाल मेघवाल को आगे करने के लिए मुझे उपेक्षित किया है। मैं ये भी चाहता हूँ आप सब लोगों से कि अर्जुन लाल मेघवाल का ही राजनीतिक सफर देख लो और मेरा भी राजनीतिक सफर देख लो, उसके बाद देखो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं, और यही अन्याय है इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी भी सीमा तक जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है और वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरा गुट कौन सा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी कर रही है। कौन गुटबाजी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में? अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी करने वाले सतीश पुनिया एक, राजेंद्र राठौर दो, आपका सीपी जोशी ये पुराना कांग्रेस ही है। मेरे इस पत्र को आप पढ़ लेना, आपको सब विस्तार से मिल जाएगा। यह इतना समय नहीं है जो मैं विस्तार से आपको पढ़ के बताऊं, बाकी मेरे पत्र में सब लिखा है कौन गुटबाजी कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन भाईचारा कर रहा है। या तो ऐसा है कि किसी को जो है चुनाव जिताने के लिए पार्टी को जो है खड्डे में डाला गया, या आपका जो सीपी जोशी है पुराना कांग्रेस ही है, वो जब वल्लभ नगर में कैंडिडेट लाया तो अपना कैंडिडेट लाया, उसको जो है जमानत जब्त हुई। ये आज सारे हालात जो चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और चूंकि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सारे देश के सब मंत्री प्रधानमंत्री से लगाकर सारे बड़े मंत्री और नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे लगा करके और सारे उनके पदाधिकारी राजस्थान की मरुधरा में इसको पवित्र कर रहे हैं। ये सामने दिख रहा है आपका, राजस्थान में कोई नेतृत्व है क्या? अगर होता तो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग आज सब तरफ फिर रहे थे। आप देख लो ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज बयान दे रहे हैं। ये बयान दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की, राजस्थान का नेतृत्व करने के काबिल या कोई और है ही नहीं। आपने कहा आयातित नेता हावी है, आयातित नेता कौन-कौन है? आयातित नेताओं की बात कही है कि नेता आयातित है? आयातित नेता एक तो सीपी जोशी जो कांग्रेस से आया, एक आयातित नेता राजेंद्र राठौर जो जनता पार्टी से आए, इनका मौलिक जो है भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं, ये सुविधा की राजनीति करने के आए। सर आप अर्जुन राम मेघवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे और विधानसभा में भर्तियाँ निकली थी, क्या वो फेयर भर्तियाँ हुई थी? बिल्कुल फेयर हुई थी। बिल्कुल फेयर नहीं हुई थी वो भर्तियाँ? एक सवाल में और आपसे पूछना चाहता हूँ, एक शिकायत को बता दो। आपके अलावा बीजेपी में और किसको तिरस्कृत किया जा रहा है, और कौन से नेता हैं जिनकी अनदेखी हुई है, और क्या उसमें वसुंधरा राजे जी शामिल हैं? वसुंधरा राजे की जितनी अनदेखी हुई है, जितना अपमान हो रहा है उसका आज तक किसी का नहीं हुआ। अब वो उसको मान नहीं रही है, इसका मेरे पास क्या इलाज है? वो जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बोलने का ही मौका नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी ने 72 ईयर का जो नियम बनाया है, एक गाइडलाइन तैयार की है, उसके अनुसार आपका टिकट कटने की संभावना, इसलिए शायद आपकी नाराजगी है। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं फील्ड में आज भी हूँ और उम्र का जहाँ तक तकाजा है, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी जीतने वाले लोग थे उनको 91 साल की उम्र में टिकट दिया है, 90 साल में भी दिया है, 88 साल में भी दिया है। इसलिए मेरी जिस तरह की स्थिति है वहाँ, अभी मैं 75 साल की लीड से जीता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी 1 लाख की लीड से जीत के आऊँगा, ये मेरी वहाँ की स्थिति है। मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। सवाल ये कि इस गुटबाजी में, जो गुटबाजी राजस्थान की है, उस गुटबाजी से मुझे अगर अनदेखा करेंगे तो मैं उस अनदेखा पढ़ने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी, ऐसा तो नहीं है।
मैडम है उन्होंने पूरी तरीके से अनदेखा किया गया, तो क्या इस चुनाव में जो आने वाला जो चुनाव है विधानसभा चुनाव में इतना फर्क पड़ेगा भाजपा? एक सेकंड रुकना है, कितना जो है उनको अनदेखा करने का जो बीजेपी को नुकसान होगा? बात ये कि आज इतना कंफ्यूजन राजस्थान की राजनीति में हो रहा है, इतना कंफ्यूजन मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा। सब तरफ से जिस तरह की जो है बातें हो रही है वो कंफ्यूज ही कंफ्यूज है। अब बताता है दो ढाई महीने में किसके पक्ष में जो है अपना मन बताता है। आपका आकलन क्या है? आपका आकलन? मेरा आकलन तो नहीं होता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आप जो है काफी सीनियर नेता हैं, है हैं, लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। भाजपा ने आपको निष्कासित कर दिया अभी खबर है, कर दिया तो फेस करेंगे। अब मेरे कार्यकर्ताओं से राय लूंगा क्या करना क्या नहीं। भाजपा की जो काफी सदस्य उससे आपको निलंबित कर दिया गया है, पार्टी ने ये निर्णय ले लिया है। बहुत अच्छा है, स्वागत और स्वागत अगले भी मैं आपको दे दूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से स्वागत मेरा डिस्कशन किया है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वहाँ उसको हजारों वोट से हराऊंगा। मेघवाल जी ऐसा तो नहीं है, ये शाहपुरा में अर्जुन राम मेघवाल बहुत सक्रिय थे तो आपको ये नादावार गुजरा, शाहपुरा आपके निर्वाचन था ना अर्जुन राम जी मेघवाल मुझे उखाड़ने में लगे हुए थे पूरी तरह, एक के बाद एक व्यक्ति के वो कुटवा जी का सवाल था, यहाँ का जो एक गुट था उस गुट ने उसको प्रोत्साहन दिया जो मेरे खिलाफ था, ये सब मैंने विस्तार से निकलता चिंता जाने का सोच रहे हैं क्या कांग्रेस में जाने? ये अभी सोचने का सवाल नहीं, कार्यकर्ताओं से राय भी अच्छे किससे खराब है? राजनीति भाईचारे की राजनीति नहीं है और भाईचारे की राजनीति में मेरे सारे जो है राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता है उनको प्रति मेरा रेस्पेक्ट भी है और अच्छे मेरे सबसे संबंध है, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मेरे साथ कोई जुड़ाव हो या कटुता की या शत्रुता की कोई भी भावना हो ऐसा है ही नहीं। हाँ बचाई थी, मैंने जो एक वक्त ऐसे लिखा था जब इनके हेरा फेरी चल रही थी, टिकटों की खरीद फरोख चल रही थी, उस समय मैंने एक वक्तव्य दिया था, वो वक्तव्य आपके पास है उसको आप पढ़ लेना, कहते से वो सरकार बची थी। अर्जुन राम मेघवाल से कैसे कैलाश मेघवाल इतने बड़े नेता है, अर्जुन राम मेघवाल से कैसे घबरा गए? कौन घबरा रहा है, कौन घबरा रहा है? या गुटबाजी में मुझे जो है अनदेखा किया जा रहा है, यार गुटबाजी एक के बाद आप देख लेना, मैं कभी हीरो था, मेरे इस लेटर का हेडिंग देखो, मैं कभी हीरो था, आज मैं हूँ जीरो, और मुझे जीरो कैसे बनाया गया है इस गुटबाजी में जो उसने विस्तार से लिखा है। सर आज जिस तरह का माहौल चल रहा है बीजेपी पार्टी में, जो आप गुटबाजी अगर की बात कर रहे हो, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अंतिम की कर रहे हो, क्या कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है राजस्थान में? भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आपने कहा प्रधानमंत्री से लेकर बाकी बड़े नेता राजस्थान आ रहे हैं, तो क्या वसुंधरा की नाराजगी प्रधानमंत्री को भी भारी पड़ सकती है? ये मैं नहीं कह सकता। गेला जी ये जो आप बता रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल जी ने जो चुनाव आयोग में गलत शपथ पत्र दिए हैं चुनाव लड़ने पे, आप उनके खिलाफ कोई चुनाव आयोग में भी शिकायत करेंगे? मैं चुनाव आयोग को निश्चित शिकायत करूंगा कि ये जो दोनों शपथ पत्र दिए हैं बिल्कुल झूठे शपथ पत्र है, इसलिए इनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त की जाए। ये भ्रष्टाचार की जो शिकायत आप बता रहे हैं मामले, उसमें क्या जांच हो रही है, जांच बंद है, किस तरह के मामले हैं? हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है और जुलाई 14 से अभी जुलाई में हुआ था स्टे, 12 साल से जो है स्टो चल रहा है, अभी तक एक के बाद पेशा बदलवा रहे हैं अर्जुन राम जी, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, ये भी जो है उनके खिलाफ उनको लेना चाहिए नोट के भाई क्यों नहीं होने दे रहे हो, एक कार्यवाही है, आपने स्टे क्यों ले रखा है और हर स्टे पे जो है आप पेशी क्यों बदलवा रहे हो? इसमें लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया आपको और जो मैडम है उन्हें नहीं बनाया गया, तो क्या इसके चलते नेता प्रतिपक्ष का मेरी दावेदारी थी, आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे वरिष्ठ विधायक मैं हूँ और मेरे विधायकी में मुझे ये अधिकार मिलता है मेरी पात्रता के अनुसार कि मुझे नेता बनाया जाए, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ।